नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी डी इंडिया न्यूज। रामगढ़ में परिषदीय विद्यालयों में नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है। प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के नामांकन के लिए विभाग की तरफ से कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। इसी कड़ी में जिला बेसिक शिक्षा विभाग ने ठेला खींचते हुए व उस पर बैठे कुल 4 बच्चों के एक फोटो का संज्ञान लेकर कबाड़ा बनने वाले 4 बच्चों को विभाग ने चिन्हित किया। इनकी खोज के लिए शिक्षा विभाग ने न केवल 2 टीम लगाई बल्कि इन्हें 2 दिनों के अंदर खोज लिया और शनिवार को जिला अधिकारी कार्यालय पर इन 4 बच्चों को उपस्थित कराया गया, जहां अधिकारियों के सामने कुर्सियों पर बैठे बच्चे उत्साहित नजर आए। BSA ने 4 में से 3 बच्चों का न सिर्फ विद्यालय में नामांकन कराया बल्कि 3 बच्चों संजर अख्तर और गोलू को अधिकारियों व शिक्षाविद बजरंग त्रिपाठी ने गोद भी लिया, जबकि 4थी बच्ची की उम्र महज 3 वर्ष पाई गई। BSA ने बताया कि इन बच्चों को गोद लेने के बाद विद्यालय में नामांकन करा दिया गया है और इनकी प्रति सप्ताह शैक्षिक स्तर मॉनिटरिंग भी की जाएगी। मेरा नाम अंजर। कहाँ रहते हो? गुलानीपुरा। क्या करते हो? कबाड़ा बुनते हैं। कबाड़ा बुनते हो? आज तुमको ड्रेस मिला है, कापी पेन मिला है, तो अब पढ़ने जाओगे? स्कूल में एडमिशन हुआ? अभी हो जाएगा। स्कूल जाना है? जाना है। मन करता है स्कूल जाने का? हाँ। अच्छा, तो क्या क्या मिला आज तुमको? कपड़ा मिला। कौन दिया है? सर ने दिया। सर ने दिया है। तो अब कौन कौन है तुम्हारे साथ जो जाएगा स्कूल? कितने लोग जाएंगे? 3 लोग। 3 लोग जाएंगे। कुछ बच्चे सर जो मनसुख वृत्ति के हैं उनको आज गोद लिया गया, क्या है? कल दैनिक जागरण अखबार में एक फोटो तस्वीर छपी थी जिसमें एक ठेले पर 3 बच्चे, एक बच्चा ठेले को चला रहा है, एक बच्चा ठेल उसको धक्का दे रहा था और एक बच्चा उस पर बैठे हुए। उस तस्वीर में बच्चे की स्थिति को देख कैसे लग रहा था कि बच्चा किसी विद्यालय में नामांकित नहीं है। आज हम लोगों ने दैनिक जागरण कार्यालय से संपर्क किया तो वो मिस्टर राजू से संपर्क हुआ जिन्होंने इस फोटो को छायाचित्र लिया। संपर्क करने के बाद उस एरिया को चिन्हित किया हुआ और हमारी 3 टीमें वहाँ पर लगी जिसमें एक खंड शिक्षा अधिकारी नगर श्रीमती रविता राव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी जिसमें संतोष राय और शुभम पांडे, दूसरी टीम जो हमारी थी वो खंड शिक्षा अधिकारी हमारे पलनी की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई थी जिसमें शुभम पांडे पाठक जी और 2-3 लड़कों की और टीम बनाई गई थी जो स्लम एरिया में जाके इन बच्चों को ढूंढने का काम किए, जिसमें से ये 3 बच्चे निकल के आए। एक नाम उसमें से संजय, दूसरा अख्तर, तीसरा नाम उस बच्चे का गोलू है। एक उसमें छोटी बिटिया थी जिसकी उम्र 3 वर्ष है, अभी वो आंगनबाड़ी केंद्रों में जाने की योग्य है। बाकी इन 3 बच्चों को चिन्हित करके हमारे परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में नामांकन करा दिया गया है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हम लोगों ने यहाँ पे उन बच्चों को जिलाधिकारी महोदय से रूबरू भी कराया और उनको तत्काल में एक ड्रेस की व्यवस्था करके उन्हें दिया गया। साथ ही साथ उन बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ के शिक्षा जगत के बड़े नाम श्री त्रिपाठी जी के द्वारा इनको भविष्य में जो भी एकेडमिक से इतर जो भी सहयोग होने की बात की गई है उसके लिए वो किया गया है, सब आश्वासन दिया गया है। साथ ही साथ हम इन 3 बच्चों को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, एक बच्चे को गोलू को हमारे द्वारा और स्वयं हमारे ADBC महोदय के द्वारा एक बच्चे को गोद लिया गया है, जो हम लोग प्रति सप्ताह इन बच्चों के एकेडमिक कैरियर में क्या उन्नति हुई इसका हम लोग स्वयं व्यक्तिगत स्तर से मॉनिटरिंग करके इनके शिक्षा में विद्यालय में नामांकन के साथ उपस्थिति और गुणवत्ता।